अभी भी कम टू दुबई वाली सीरीज मेरी चल रही है और आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो बड़ा यूनिक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, यूरोप में जाते हैं, इधर उधर फिरते हैं बड़े मुल्कों में, लेकिन सहरा आपको कहीं कहीं मिलता है और यूनिक जो एक्टिविटी है वो आपको दुबई में मिलती है। हम दुबई डेजर्ट सफारी के लिए निकल रहे हैं। यह मेरा होटल है पीछे और ऐसा मुझे लेना है उन्होंने, मैंने इंटरनेट से पैकेज डिसाइड किया था और आपने जब भी ये पैकेज लेना है होटल से पिक एंड ड्रॉप लाजमी लेना है, क्योंकि आपके जाने में वहाँ पहुँचने में उनके पॉइंट में आपको पता नहीं कितनी दूर है आपका होटल कहाँ पे है, तो सबसे फीजेबल यही है कि आप होटल से ही पिक एंड ड्रॉप ले लें। गड्डी मेरी आने वाली थी ऑन टाइम थी, लेकिन वो भाई कह रहे मैं 5 मिनट लेट हूँ। 80-90 दिरहम से लेके 1000-2000 दिरहम तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा का पैकेज है और डिपेंड करता है कि आप उसमें सर्विसेज कौन सी ले रहे हैं। और हमारे में तो है वो सैंड ड्यून बैशिंग है, बारबेक्यू है और है ना फिर और बच्चों के लिए, इसके अलावा मिनरल वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, होर्डिंग निज़ाम है, लेकिन ये है कि ये 5 से 6 घंटे की एक्टिविटी होती है आप, और नॉर्मली जो है ना आप ज़्यादातर लोग इवनिंग में ही लेते हैं, इवनिंग या कुछ डेजर्ट सफारी में आप रात भी वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो हम लोग इवनिंग वाला निज़ाम करना चाह रहे हैं कि हम शाम अपनी सहराए सीना में गुजार रहे हैं, सहराए सीना नहीं है जो दुबई का सहरा है जेड़ा भी है, वहाँ चलते हैं। कैमल राइड्स हैं वहाँ पर और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ हैं, फन फील्ड है इंशाल्लाह। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप नहीं है, अभी 2:30 बजे हैं लेकिन बेहतरीन मौसम है। इस वक्त पैकेज लिया है वो लिया है पिक एंड ड्रॉप के साथ, और सबसे एडवाइजेबल बात यही है कि पिक एंड ड्रॉप के साथ लें। यहाँ पे मेट्रो पे जाना या उसके अलावा टैक्सी पे जाना वो काफ़ी आपको कॉस्टली भी चार्ज होता है, लेकिन होटल से आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाता है। आपने अपने रूम की रूम नंबर और होटल बताना होता है तो गिवन टाइम पे आपको वो पिक कर लेते हैं। लेकिन गिवन टाइम पे मैंने तो कोई नहीं किया, मैं इतने के लौटा वहाँ कह रहा मैं आना पे वहाँ, तो देख लेते हैं कहाँ पर पहुँचे भाई साहब। और ये वाले भाई हैं, भजन क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान। ज़बरदस्त, भाई हैं और ऐसा गड्डी है सामने पिक करने आए ने। तो हम दुबई की सड़कें देखते हुए निकलते हैं और देखने से पहले ऐनक चढ़ा लेते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, आज बड़ा हैवी निज़ाम। अभी उस तरह से बारिश नहीं हुई जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में होती है कि रश लग जाता है, उस तरह की बारिश बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है 15 मिनट की एक झड़ी लगी है और फिर भी सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है और ट्रैफिक जो है वो फुल जैम चल रही है और हर बंदे लेट हो रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डेवलप नहीं किया गया। नवीद भैया हमारे साथ जो मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में ये बता रहे हैं कि शारजा में इससे भी बुरे हालात होते हैं, शारजा जो है वो गोडे गोडे डूब जाता है पानी। अभी ऊबर आप करवा लें, टैक्सी करवा लें या ख़ुद से कोई ट्रांसपोर्ट करें अदर दैन आपकी जो है मेट्रो, तो उसे फंसना ही फंसना है बहुत ज़्यादा। हर तरफ जो है ना गूगल पे रेड लाइनें चल रही हैं और हर बंदे लेट हो रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ा हो जाता है। इवन कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पे सैलाब वाली सूरत हाल बन जाती है। अभी सड़कों पे 2-2 लेन जो हैं वो पानी ने कवर की हुई हैं, सिंगल लेन रोड चल रहा है और कुछ शोफे जो हैं वो गुजर लंगी जा रहे हैं बीचों पानी में ठा ठा करके। तो जी पहला पॉइंट हमारा आ गया है जहाँ पे आप क्वाड बाइक चला सकते हैं जो कि मेरे पैकेज में नहीं है, इसके एक्स्ट्रा से 100 दिरहम थे तो मैं ऐसे रेंट देती है। जी बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे और 150 रुपया है अगर आपने सिंगल बाइक चलानी है, 150 दिरहम रुपया नहीं और 250 दिरहम है अगर आपने डबलिंग करनी है, तो ना मैं डबलिंग करनी है तो ना मैं सिंगलिंग करनी है। हम लोगों ने मेरा जो असल मकसद है वो है ड्यून बैशिंग का, वहाँ पे जाएंगे, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे जो कर रहे हैं ज़्यादातर नॉर्मली छोटे बच्चे कर रहे हैं 12-13 साल वाले, मैं भी जवाड़ा कहना चवल जा आ गया बीच, तो हम वहाँ पर चल के इंतजाम बनाते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही बिजी पॉइंट है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं जहाँ पर लोग आके पार करते हैं। हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया गया, 30 मिनट के अंदर अंदर हमने अगर यहाँ पे क्वाड बाइक चलानी है तो चला लो,
वो हाथों से धो लो, इसके बाद हम आगे निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं ड्यून बैशिंग के लिए, जो कि आज के शो का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो एक हॉलैंड की फैमिली है, और बेसिकली 7 सीटर है, तो 2 फैमिलीज हैं। मेरी अपनी फैमिली पीछे निकल गई है, इनकी ज़रा हाइट ज़्यादा थी, इनको हमने सेंटर में कर लिया। अभी नवीर भाई जो है ये इस्लामाबाद से ही हैं, तो मैं कहा बच्चे हैं गाड़ी में, हाथ ज़रा हौला रखना, और शाम भी होने वाली है, अंधेरा भी हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो मैं देख रहा हूँ चल रही है उसके ऊपर। Looking for an affordable ride? Look no further. Hala Taxi is the most affordable ride in Dubai. हाय, सुपर किस्म का एक एक्सपीरियंस करके हम लोग टॉप पे आके खड़े हो गए हैं। अरे गड्डी भी मेरे की आ गई है। कुछ कट्स तो इतने खतरनाक थे, और मैं सोच रहा था कि यहाँ से तो नीचे जा नहीं सकती गाड़ी, लेकिन साथ उतु ही थले ले गए इन्हें, और एकदम से दिल जो है ना वो आपका झटका खाता है। लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को लेके। शाम होने वाली है, एक सारा वैसे यहाँ पे ड्रोन बनता था, लेकिन ड्रोन क्योंकि अब यूएई में वैसे ही पाबंदी है, लिहाजा वापसी करेंगे और चलेंगे हम अपने वो खाबियाल। ड्यून बैशिंग से पहले हवा को काफ़ी कम कर दिया जाता है, मतलब हाफ कर देते हैं, जो मैंने इनसे पूछा है। और अभी क्योंकि ड्यून बैशिंग ख़त्म हो गई है, तो दोबारा से हवा भरवाई जा रही है। और यहाँ पे बाहर निकल के एक पूरी मार्केट थी, जहाँ पे लाइनें लगी हुई थी हवा भरवाने वालों की। तो अब हम वापस इसको रीफिल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे ऊँट देख रहे हैं, उन्हें ना कह देना कि अगे भी ऊँट ही है। तो ये जो हमारा पैकेज था वो था, उसमें कैमल राइड भी शामिल है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है जो लोग कैमल राइड लेना चाह रहे हैं। छोटा सा इन्होंने एक सर्कल सा बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको ये क्या करा यहाँ पे जो कैंप है उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक वीआईपी और एक ऑर्डनरी। मेरी ऑर्डनरी की बुकिंग है 125 दिरहम वाली, और मेजॉरिटी वही है, वीआईपी तो हार्डली 20% होंगे। आपको बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़ बताऊं, आप ऑर्डनरी पैकेज ही बुक करें। ऑर्डनरी में और वीआईपी पैकेज में फ़र्क क्या है, सिटिंग का और फूड का, ठीक है। ऑर्डनरी पैकेज है 125 दिरहम का, 120 दिरहम का, और जो वीआईपी पैकेज है वो है 250 दिरहम का, ठीक है। सेम गाड़ी है, सेम एक्टिविटीज़ हैं, सब चीज़ें सेम है, सिर्फ डिफरेंस आता है आपकी सीटिंग का
और आता है आपके फूड आइटम का। आप ऑर्डिनरी बुकिंग करें और कैंप में आके 50 ईच परसन एक्स्ट्रा पे करें और वीआईपी में शिफ्ट हो जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त जुगाड़ है, ये यहाँ पे एक बंदे ने मुझे बताई है। और हमारा जो है वो बुफे सामने लगेगा और हेना शामिल है, चाय जितनी मर्जी पियो, पानी जितना मर्जी पियो। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश तेज़ हो गई थी, सारा शो शुरू होने तो पहले ही मुक जाना है। ये स्टेज है सामने और यहाँ पे सारी परफॉर्मेंसेज होंगी और निज़ाम यहाँ कायम किया जाएगा। मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, हवा चल रही है, इवन कि हल्की हल्की सर्दी लगना शुरू हो गई है। और अभी 25 मिनट पड़े हुए हैं तो मैंने भूख जड़ी बहुत लगी है, रोटी जो है वो शुरू करनी है, मुझे लगता है 8 बजे उन्हें देर तक। इन्हों का नुकसान है जितना लेट करेंगे, इन्हों का नुकसान है। धनौरा डांस इस रीजन का कल्चरल डांस है। जिसमें डांसर नहायत मुहारत से कुछ करतब भी पेश करता है। कम से कम 15 मिनट की इस परफॉर्मेंस में डांसर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ पे इंडियन खानों को बदनाम करने की प्रॉपर एक मैं समझता हूँ मुहिम चलाई जा रही है। कल जो पहले मैंने क्रूज किया था उसमें भी इंडियन मेन्यू था और नहायत फजूल, नहायत फजूल। आज जो इन्होंने स्टार्टर दिए हैं अगर आप ग्लोबल नॉन वेज वो भी नहायत फजूल। भाई इंडियन खाना तो पूरी दुनिया में मशहूर है लेकिन ये जो डेजर्ट सफारी का जो खाना है इसमें बिल्कुल भी अभी तक तो कोई मज़ा नहीं आया। अभी खैर हमने स्टार्ट किया, हो सकता है मेन कोर्स मज़े का हो, लेकिन जो नहायत मैं तुम दस दिया। इंडियन जो फूड है वो देने का एक मकसद ये भी है कि वो आपको सस्ता पड़ रहा है क्योंकि सारा वेज है, 80% चिकन की एक दो करीज हैं, बाकी सारा वेजिटेरियन है, दालें हैं। परसेंट वेजिटेरियन मेन्यू था और एक चक्कर में वो एक ही लंबी लाइन थी और एक चक्कर में वो एक दफ़ा दे रहे थे चिकन। मैंने ये देखिए अपने पीस को चावलों के नीचे छुपाया और दूसरी दफ़ा ले आया हूँ, ऐसे थी तैसी थोड़ी सानू जी ला रहे सन। ये मज़ेदार है, जो पहले इन्होंने स्टार्टर दिए हैं वो तो मज़ा रही सन। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिशेज थी वहाँ पे, शलजम भी था सालन में, एक और भी थी सब्ज़ी। मैंने सिर्फ दाल चावल ली हैं और उसके ऊपर बारबेक्यू डलवा लिया, ठीक है वैसे इस मीट वाले निज़ाम के साथ ठीक हो गया। ये एक जॉइंट है यूकन से, साथ एक कबाब है, कबाब मैं खा चुका हूँ रास्ते में। फायर शो सबसे ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। बैले डांस मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, ये सीधी सीधी औरत की तजलील महसूस होती है, इसलिए ना खुद देखूंगा और ना ही आपको दिखाऊंगा। आपके भाई का फोकस सिर्फ खुराक है। सफारी में जो खाना खाया था उस खाने के बाद फिर लौट पे आ गई खाना खाने दी और मैं दोबारा बगदाद इराकी होटल पे आ गया हूँ और उन्होंने मैंने देखी शटर थले कर लेने। ये खाने से पहले ना देते हैं सूप दाल वाला, बस मैं वो खाना है वहाँ, वो फ्री होता है, वो खा के मैं निकल जाना। ये हुमस जो है ना बड़ा कमाल की चीज़ है, इसमें मैंने ये बीफ के चंक्स हैं, साथ इसका फैट है और साथ ऑलिव ऑयल और चिक पीस में बनता ही है। ये एक पिज़्ज़ा वर्जन समझ लें, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें जो रोटी है वो बिल्कुल सादी एक पतली सी तय होती है, रुमाली रोटी यूकन से, और उसके ऊपर बीफ का हल्का सा निज़ाम लगा दिया जाता है मसालों के साथ।
ये था हमारा आज का डेजर्ट सफारी प्रोग्राम। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, मौसम बेहतरीन था। शुरू में हल्की हल्की हमें सर्दी लगती रही, और लेकिन ये है कि अब थक हार के पहुँचेंगे। अभी 2 घंटे का सफ़र है हमारे साथ। जो दूसरी फैमिली है उनको हम रास्ते में ड्रॉप करेंगे, आउट ऑफ द वे नहीं है, उनको ड्रॉप करके हम इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। अभी भी कम टू दुबई सीरीज़ हमारी जारी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह। बीबी कम टू दुबई सीरीज में अगर आप ग्लोबल विलेज का ज़बरदस्त फूड एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं जुमेरा बीच की नहायत खूबसूरत सुबह तो यहाँ क्लिक करें। रिपोर्ट के मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।